ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नहा ट्रांग के दक्षिणी वियतनामी तटीय रिजॉर्ट शहर में ले जाएंगे। यह अपने समुद्र तटों, डाइविंग स्थानों और अपतटीय द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। एक सैरगाह, होटल और समुद्री भोजन भोजनालय इसके प्रमुख समुद्र तट की लंबाई की रेखा बनाते हैं, जो लंबा और घुमावदार है और ट्रांगफू स्ट्रीट के साथ चलता है। हवाई केबल कारें एचएन ट्रे द्वीप से जुड़ती हैं और कोरल रीफ्स को एचएन मुन और एचएनटीएम द्वीपों के प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जो नाव द्वारा सुलभ हैं। नहा ट्रांग के संपन्न समुद्र तट शहर में धूप में बैठना एक सामान्य घटना है। आखिरकार किसी दिए गए वर्ष में वियतनाम में कहीं और की तुलना में यहाँ अधिक धूप वाले दिन हैं। ट्रांग फू समुदाय का प्राथमिक समुद्र तट 7 किलोमीटर लंबा महीन रेत और क्रिस्टल क्लियर पानी है, जो सरसराहट वाले हथेलियों, जीवन समुद्र तटीय कैफे और समुद्री भोजन भोजनालयों से घिरा है। यहाँ नहा ट्रांग की यात्रा के लिए 7 महान औचित्य हैं। नहा ट्रांग की सबसे आकर्षक विशेषता एक रेतीला समुद्र तट है, जो एक भव्य खाड़ी के सामने है, जो 19 द्वीपों और द्वीपों का घर है। पर्यटकों की दैनिक भीड़ असंख्य सन लाउंजर से धूप का आनंद लेने के लिए ट्रांगफू बीच पर एकत्र होती है। सभी प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग से लेकर पतंग सर्फिंग, पैडल बोर्डिंग से लेकर जेट स्कीइंग तक समुद्र तट पर उत्साह का एक बड़ा हिस्सा है। कार्रवाई से दूर होने के लिए शहर के नजदीक लॉन बीच पर मोटरसाइकिलें। यहाँ हल्का नीला पानी पाया जा सकता है और आसपास के भोजनालयों में ताजा पकड़ा गया समुद्री भोजन परोसा जाता है। एक दिन की यात्रा के लिए शहर के उत्तर में 60 किलोमीटर की दूरी पर डॉकलेट तक ड्राइव करें, जो वियतनाम के समुद्र तट के सबसे आश्चर्यजनक हिस्सों में से है। वियतनाम की समुद्री भोजन की राजधानी नहा ट्रांग है, और अच्छे कारण के लिए। ताजी मछली और शंख, जो नहा ट्रांग में कई भोजन का सितारा है, खानहुआ के तट के पानी से आते हैं, जो समुद्री जीवन से भरपूर हैं। नहा ट्रांग में भूखे रहने का कोई खतरा नहीं है, सभी अपस्केल होटल, रेस्तरां और सड़क किनारे कैफे उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों के बीच खाएं या शहर की पाक संभावनाओं के गहन अन्वेषण के लिए स्ट्रिप के साथ होटलों में 5 सितारा बुफे का आनंद लें। नहा ट्रांग की यात्रा करना और मिट्टी के स्नान में एक दिन छोड़ना असंभव होगा। माना जाता है कि नहा ट्रांग में उपयोग की जाने वाली खनिज युक्त मिट्टी में औषधीय और त्वचा के उपचार के फायदे हैं, जैसे कि बेहतर परिसंचरण और मॉइस्चराइजेशन। बहते चिपचिपे कीचड़ में ढंके जाने के बाद ठंडे झरने की बौछार के लिए वसंत। गर्म खनिज पूल दिन को समाप्त करने का एक आरामदायक तरीका है। यदि आप विशेष रूप से पतनशील महसूस कर रहे हैं तो चॉकलेट बॉडी रैप या कॉफी मसाज बुक करें।
शहर में तीनों में से सबसे प्रसिद्ध मिट्टी का स्नान आई रिजॉर्ट में है, जहां आप अपने प्रवास का विस्तार कर सकते हैं और स्लाइड पूल और प्राण पोषक जलप्रपात के साथ एक बड़े आकार के वाटर पार्क का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर आज सभी के पास बहुत अच्छा समय था। सुनिश्चित करें कि आप अपनी यात्रा के दौरान खाड़ी और आसपास के द्वीपों का पता लगाने के लिए समय आवंटित करते हैं। वियतनाम में एकमात्र समुद्री संरक्षित क्षेत्र माननीय मुन द्वीप है, जो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत अच्छा है। विनविंडर्स एक स्वनिहित द्वीप मनोरंजन पार्क है, जिसमें एक बड़ा मनोरंजन पार्क और एक विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स है। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी केबल कार की सवारी वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। 1000 से अधिक प्राइमेट उपयुक्त रूप से बंदर द्वीप पर रहते हैं, जबकि हजारों साल्वने स्विफ्टलेट यन साओ द्वीप पर रहते हैं। नाहा ट्रांग कई महत्वपूर्ण स्थलों की पेशकश करता है, जो सांस्कृतिक उत्साही लोगों को व्यस्त रखते हैं। 8वीं शताब्दी में चाम लोगों द्वारा निर्मित पो नगर चाम टावर्स अवश्य देखने योग्य हैं। इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला में इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों के तत्व शामिल हैं। नाहा ट्रांग कैथेड्रल शहर के केंद्र में विस्तृत फ्रेंच शैली की रंगीन कांच की खिड़कियों और विशाल स्तंभों का एक शोकेस है। लॉनसॉन पगोडा में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा जो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है और शहर को देखती है। इसके अतिरिक्त शांत बौद्ध ध्यान संस्थान शहर से थोड़ा बाहर है, लेकिन ट्रैक के लायक है। फूलों और पौधों से भरे बहुस्तरीय बगीचों से घिरे होने के दौरान संस्थान धान और पहाड़ों के आश्चर्यजनक दृश्य को देखता है। नाहा ट्रांग के आकर्षक आवास की प्रचुरता पूरे वियतनाम में बेजोड़ है। यहाँ आपको अपना सिर रखने के लिए सबसे आरामदायक स्थान मिल सकते हैं। अल्ट्रा शानदार रिजॉर्ट से लेकर शांतिपूर्ण रिट्रीट से लेकर डाउनटाउन होटल तक, कैमरान हवाई अड्डे और नाहा ट्रांग के बीच चट्टानी समुद्र तट के साथ 10 और रिजॉर्ट वर्तमान में काम कर रहे हैं। विनपल रिजॉर्ट और स्पा नाहा ट्रांग बे में बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवार विनविंडर्स के मनोरंजन और वाटर पार्क के सुविधाजनक उपयोग के साथ भव्य विला आरक्षित कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।